दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मधुकामनी की रिपोर्टिंग की बात करेंगे। सितंबर से लेकर दिसंबर तक जब तक डॉर्मेंसीज की नहीं आई थी, इसने भरपूर फूल दिया था। ये थर्ड ईयर कंटिन्यूएशन में है जब हम इसकी रिपोर्ट करने वाले हैं। आप 15 दिन बाद इसका रिजल्ट देखिएगा। हम इस वीडियो में हमारे अंत तक जुड़े रहें तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि इसको रिपोर्ट दोस्तों कैसे करना है। ये कैसा प्रोसेस है दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मेरा वादा है। रिपोर्टिंग में मिट्टी का और उसके साथ में जो उसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए बात करते हैं कैसे किया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है DAP, ये है दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये है माइक्रोराजा और ये है ह्यूमिक एसिड। इन सब को एक एक चम्मच के हिसाब से ये गार्डन सॉइल के अंदर में मुझे मिला देना है। और मिलाने के बाद आइए कैसे मिलाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने मिलाया वर्मी कंपोस्ट, फिर मिलाया डीएपी की 30-35 दाने मैंने मिलाए सिंगल सुपर फॉस्फेट के, फिर मिलाया दोस्तों माइक्रो राजा, फिर मिलाया ह्यूमिक एसिड और लास्ट में मैंने मिलाया ये जो है इसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कि 14-15 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से अब आपका परफेक्ट पॉटिंग मिक्स दोस्तों बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पौधे को निकालेंगे गमले से, और गमले से निकालने के बाद थोड़ी उसकी डी रूटिंग करेंगे, जड़ काटेंगे और उसको फिर से वापस जो है उसी गमले में कर देंगे। तो देखिए निकालने के लिए ये 12 इंच का गमला है, इसको ऊपर की तरफ से काट करके इसकी जड़ें जो है हम लोग साइड से निकालेंगे दोस्तों, हर तरफ से इस तरीके से। ये इसमें से जो यूज्ड मिट्टी निकली है इसको हम फिर इकट्ठा कर लेंगे। इसमें पावर की कमी हो गई है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, लेकिन तब भी ये अच्छी मिट्टी है। तो इसको निकाल करके 50% हम यूज़ करेंगे उसी पॉटिंग मिक्स में वापस, इसकी जड़ को निकाल लेंगे। और दोस्तों देखिए ये जो है इस तरीके से ये देखिए पौधा इसमें से ये निकल गया। निकलने के बाद चारों तरफ से इसकी मिट्टी जो है हमको झाड़ लेना है, रूट की कटिंग करनी है साइड वाले रूट की, और वापस फिर उसी गमले में जाएगा। ये जो मिट्टी निकली है दोस्तों, इसको चारों तरफ से साइड से हमें काटना है। देखिए दोस्तों, इसकी मिट्टी काफ़ी हमने निकाल दी है, रूट भी काफ़ी हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसकी जो मिट्टी निकली हुई है दोस्तों, वो निकल करके इसकी हम जड़ जो है वो छान लेंगे वापस फिर इसमें। तो जितनी भी ये रूट हैं ये फिर से नई फाइबरस रूट इसकी बनेंगी किनारे की तरफ, और इस रूट को आपको क्या करना है, इन रूट इनको सबको दोस्तों कट कर देना है यहाँ से, ताकि नए जड़ों को निकलने का मौका मिले। और चूंकि मिट्टी में पावर भरपूर आ जाएगी तो यही ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होगी, तो आप देखेंगे कि आपका गमला जो है फूलों से लद जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये दोस्तों रूट की कटिंग कर दी है। अब इसको क्या करना है कि हमको इसको नीम की खली के पानी में डुबोना है। ये दिखाते हैं, ये एक हफ्ता पुराना नीम की खली का पानी है जो प्रॉपरली डिकम्पोज हो गया है। ये कैसा प्रोसेस है दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मेरा वादा है। तो आप इसकी चारों तरफ इसकी जड़ों को दोस्तों डुबो दें। डुबोने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े हैं जो भी हैं सब निकल जाएंगे, और इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो है वो दोस्तों मिलने वाला है। याद रखें, नीम की खली का पानी एक हफ्ता डिकम्पोज किया हुआ ये डालें अपने यहाँ। दोस्तों ये एक साल पुरानी मिट्टी है जो गमले से निकाली गई है, जड़ों से भरी हुई है, इसकी पावर जो है काफ़ी कम हो गई है, लेकिन तब भी चूँकि मिट्टी है इसमें कुछ ना कुछ ताकत है, इसको काफ़ी सूट करी थी। और ये दोस्तों है जो हमारी नई मिट्टी बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों मिट्टियों को आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद वही मिट्टी हम उसके अंदर में रिटॉप करने वाले हैं। दोस्तों रिटॉप करने के पहले एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है जो आप सबको करना चाहिए, कि ये नीचे की तरफ जो ये छेद है
इस छेद में आपको चारों तरफ ये बड़े बड़े ईंटे डाल देने हैं ताकि पानी रुके नहीं, पानी जमे नहीं और मिट्टी जो है नीचे से बहे नहीं। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कर लिया, फिर ये वाली मिट्टी देखिए, ये मिट्टी हमने इसमें डाली जो बनी हुई मिट्टी थी। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये वाला पौधा। ध्यान रहे, पौधे को सेंट्रल में रखना है, सेंट्रिक रखना है, इधर दाहिने बाएं भागे नहीं। इसलिए धीरे धीरे करके आप डालें और किनारे से दबाएं, वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है दबाने वाला। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, इसको दबाना है चारों तरफ से ताकि पौधा सेंटर में आकर के बिल्कुल रहे। अब ये देखिए, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, इसको करने के लिए चारों तरफ से घुमा घुमा के आप इसको दबाते रहें दोस्तों। है और उसके बाद पानी डालना है, पानी ऊपर से डालना है ताकि वो नीचे की तरफ जाता रहे पानी, और नीचे जाता रहेगा दोस्तों तो जो खाद है वो प्रॉपरली सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही आप करें और ये ध्यान रहे। तो रिपोर्ट हो गया, मिट्टी चेंज हो गई, रूट कटिंग हो गई, अच्छी खाद डल गई, पानी डल गया, पौधा प्रॉपर सेट हो गया रूट कटिंग के बाद। अब आपको 15 दिन का इंतजार करना है जब ये मधुकामनी का फूल पूरे तरीके से चारों तरफ लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।